हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा अपन सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या मतलब है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे, ITF। ITF का मीनिंग सीखेंगे कि ये होता क्या है। देखना, बड़ा ही इजी सा लॉजिक है ये। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि 2 एक नंबर है, सबको पता है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोलोगे 1/2। x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/x, है ना। ये होता है इनवर्स का बेसिक मतलब। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात आ जाए तो फिर अपने को क्या करना होता है। बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 30 डिग्री ये टर्म अपन यूज करते थे 10th क्लास में। अब आप क्या करेंगे, 30 डिग्री की जगह लिख देंगे पाई अपॉन 6, क्योंकि सबको पता है कि पाई होता है 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 ही आएगा। तो ये वैल्यू बड़ी ही बेसिक वैल्यू है ना। अब अगर मैं इसमें साइन की पोजीशन को बदल देता हूं, या मैं बोलूं कि मैं इन दोनों की पोजीशन को बदल देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स। ये जो पावर लग रही है ना, इसको बोला जाता है इनवर्स, 1/2 आ जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा पाई अपॉन 6। दैट इज, बड़ा ही बेसिक सी बात है, साइन के आगे आपने क्या लिखा था, एंगल, और आपका रिजल्ट में क्या आया, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आई, न्यूमेरिक वैल्यू आई। जब आप साइन की जगह साइन इनवर्स का डिस्कशन करोगे तो आप उसके आगे क्या लिखोगे, न्यूमेरिक वैल्यू लिखोगे, और बदले में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। साइन के आगे एंगल लिखते हैं, आंसर में न्यूमेरिक वैल्यू आती है। इनवर्स फंक्शंस में उनके साथ न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं और उनका जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो एंगल आता है। बस अपने को क्या ध्यान रखना है कि अपन एंगल को अब हमेशा किसमें लिखेंगे, रेडियंस में। किसमें लिखेंगे, रेडियंस में। अब अपन डिग्री को अवॉइड करेंगे और सिर्फ रेडियंस की ही बात करेंगे, जो अपन ऑलरेडी 11th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बड़ा ही बेसिक सा मतलब, ठीक है। बहुत इजी और क्विक एग्जांपल से समझ आ जाएगा। अब आप इसमें साइन की जगह कॉस लगा दो, टैन लगा दो, क्या होगा चेंज, बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने यहां पे कॉस कर दिया, तो मैं यहां पे इसका जो आंसर है वो चेंज कर दूंगा। ये आंसर्स मैं ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुका हूं। सेम अगर इधर बात करें तो कॉस इनवर्स √3/2 का आंसर है π/6। और अगर मैंने यहां कॉस की जगह कर दिया टैन, तो टैन π/6 क्या होता है, 1/√3। तो टैन इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/6। तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, आउट ऑफ 6 कोई सा भी हो, इनवर्स का मतलब सबके लिए सेम होता है। अब अगर बात करें कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनकी अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी बड़ी ही इजी है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल्स टू टैन इनवर्स x। पहले बात इन तीन की करते हैं। जो यहां पे x है वो क्या होगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और जो y है वो क्या है, वो एंगल है जो रेडियन में निकल के आएगा। तो ये जो x है, x, इसको बोला जाता है डोमेन। क्या बोला जाता है, डोमेन। और y को क्या बोला जाता है, y को बोला जाता है रेंज। तो अगर अपने से कोई भी पूछे कि भाई साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे कि इसकी जो डोमेन है वो है -1 से +1। बड़ा ही इजी है लर्न करना। और अगर कोई पूछे कि भाई इसकी रेंज क्या है, तो रेंज अपन बोलेंगे -π/2 से +π/2। सिमिलरली अगर बात करी जाए कॉस इनवर्स की, किसकी बात करी जाए, कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स के आगे जो x है, तो x की जो वैल्यूज है उन्हें बोला जाता है डोमेन। कॉस इनवर्स की डोमेन
सेम वो ही होती है जो साइन इनवर्स की होती है, रेंज थोड़ी सी चेंज हो जाती है जीरो से पाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर बात करें किसकी, टैन इनवर्स की, किसकी, टैन इनवर्स की, तो टैन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू से ओपन ब्रैकेट पॉजिटिव पाई बाय टू। ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको बोला जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोला जाता है भाई, क्लोज्ड ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स आर ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड ब्रैकेट्स। इनके दो नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं तो कर्व्ड ब्रैकेट, और एक और नाम क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। कर्व्ड ब्रैकेट इज ऑल्सो नोन एज ओपन ब्रैकेट। तो ये इनकी क्या है, डोमेन है और रेंज है। इजी है, पॉज करके कॉपी कर लेना। अब बात करते हैं आगे के फंक्शंस की। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है भाई, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कौन होता है रेसिप्रोकल, कोसेक। फिर कॉस का सेक, टैन का कॉट। इनकी बात करते हैं, तो अगर मैंने साइन इनवर्स की जगह कोसेक इनवर्स कर दिया, कोसेक इनवर्स, तो अब मेरी डोमेन में क्या चेंज आएगा, मैं डोमेन में लिखूंगा ऑल रियल नंबर्स, दैट इज माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, एक्सेप्ट जो साइन की वैल्यूज है। मैं ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना, ये कोसेक इनवर्स की क्या होती है, डोमेन होती है। और अगर रेंज की बात करी जाए कि भाई इसकी रेंज क्या होगी, यानी कि वाई की वैल्यूज क्या होगी, तो आपको क्या करना है, साइन की रेंज को एज इट इज कॉपी करना है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है, सेट का ब्रैकेट बनाना है और अंदर लिखना है जीरो। दैट इज ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस 90 टू प्लस 90 एक्सेप्ट जीरो। अब बात करें सेक इनवर्स की, तो जैसे साइन और कॉस की डोमेन सेम थी, सिमिलरली कोसेक और सेक की भी डोमेन क्या है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन रेंज में थोड़ा सा चेंज है। ये तो है ही एज इट इज जो कॉस में था, इसके अलावा सब्ट्रैक्ट करना है पाई बाय टू। माइनस 90 से प्लस 90 के बीच की वैल्यू होती है जीरो, जीरो से पाई की बीच की वैल्यू होती है पाई बाय टू, इनको माइनस कर रहे हैं, है ना। अब वैसे लॉजिकली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कोसेक होता है ना, कोसेक वो जीरो पे नॉट डिफाइन होता है, और जो सेक है वो पाई बाय टू पे नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन इज, यानी कि इन्फिनिटी इज नॉट अ सर्टन वैल्यू, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसलिए अपन उसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर बात करें कॉस की, मतलब कॉट की, टैन का उल्टा, तो उसकी डोमेन सेम रहती। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी का एक और नाम दिया जाता है क्या, रियल नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन इसकी रेंज चेंज हो जाती है। इसको एज इट इज कॉपी कर लो, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, क्लोज्ड की जगह ओपन ब्रैकेट लगेंगे। ये होती है इनकी क्या, प्रिंसिपल डोमेन एक्स की वैल्यूज, और ये प्रिंसिपल रेंज दैट इज वाई की वैल्यूज। अब अपन ने इतनी देर से पढ़ तो लिया कि यार ये डोमेन और ये रेंज है ना, एक्चुअल में ये है क्या। एक्चुअल में डोमेन का मतलब होता है, यानी कि एक्स की वैल्यूज का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज या ग्रुप ऑफ वैल्यूज जो आप फंक्शन के आगे लगा सकते हो। जैसे मुझे कभी भी ऐसा दे दिया साइन इनवर्स टू, तो सबसे पहली चीज मैं यहां लिख दूंगा द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो माइनस वन से प्लस वन है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन है। मैंने यहां लिख दी प्लस टू, या मैंने लिख दी माइनस टू, या इवन मैंने लिख दिया यहां 1.1, ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे केसेस, क्योंकि साइन इनवर्स के आगे की वैल्यू कभी भी वन से बड़ी और माइनस वन से छोटी नहीं हो सकती। ये होता है डोमेन का मतलब। सिमिलरली अगर अपन बात करें जैसे कॉट इनवर्स, अब कॉट इनवर्स में तो देखो डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल नंबर्स, यानी कि इसके आगे तो आप कुछ भी लिख दो कॉट और टैन के आगे। अगर बात करें कोसेक की, तो अगर कभी भी कोसेक के आगे या सेक के आगे अपन ने ये लिख दिया सेक इनवर्स, और यहां लिख दिया
जैसे अपन ने 1/2, तो अपन बोलेंगे द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. रीजन, क्योंकि सेक इनवर्स की डोमेन में ये दोनों का एरिया पार्ट नहीं लेता. दैट इज सेक इनवर्स की डोमेन में, यानी कि एक्स की वैल्यूज में आप कोई सा भी रियल नंबर लिख दो, लेकिन वो -1 से +1 के बीच में नहीं होना चाहिए. तो है आपकी तो वैल्यू, ये तो -1 से +1 के बीच में आती है. इन स्पाइट मैंने इसके अलावा लिख दिया जैसे 0, या मैंने इसके अलावा लिख दिया 0.1, या मैंने लिख दिया 0.9, ये सारे केसेस रिजेक्ट हो जाएंगे. ये होता है डोमेन का मतलब. अब रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज का मतलब होता है कि जब भी, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया साइन इनवर्स +1/2, तो जब मैं इसका आंसर दूंगा तो जो इसका आंसर है वो प्रिंसिपल रेंज में लाए करना चाहिए, ठीक है. या मैंने साइन की जगह लिख दिया, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया सेक इनवर्स 2, तो सबसे पहली बात तो डोमेन के अकॉर्डिंग चेक करो. बिल्कुल सही है, 2 जो है वो -1 से +1 के बीच में नहीं होता, ये इनके बाहर होता है. तो ये मैंने सही चीज लिखी है. अब मुझे बस छोटी सी टेबल ही तो याद रखनी है जो 5 एंगल की 10th क्लास से पढ़ाई गई है, 0, 30, 45, 60 और 90. तो मुझे इसका आंसर देना है, लेकिन पाई की टर्म्स में देना है. तो मैं वैसे इसका आंसर क्या देता, 60 डिग्री, लेकिन मुझे पाई की टर्म्स में देना है तो मैं लिखूंगा π/3. अब चेक करो जरा, ये आंसर मेरा रेंज में लाए कर रहा है क्या? 0 से 180 के बीच में आता है क्या? आता है भाई, 0 से 180 के बीच में ही तो आता है 60 डिग्री. तो ये होता है डोमेन और रेंज का मीनिंग. लेकिन एक्चुअल में क्या है, अपने को बस इनको मेमोराइज करना है, रटना नहीं है, अपने को इनको याद रखना है. चाहे आप कोई ट्रिक बना के याद रखो या टेबल बना के याद रखो, बस आपको याद रखना है ताकि जब भी आप कोई ऐसा छोटा सा केस या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता रहे कि यार मैं जो आंसर निकाल रहा हूं वो सही तो है ना. आप खुद ही खुद का आंसर उसी समय चेक कर लो और कंफर्म हो जाओ कि हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है. इजी है, तो जो भी बोर्ड पे लिखा है वो कॉपी कर लो. अब देखो, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, बल्कि इन सबके आगे ब्रैकेट में क्या लिखी हुई है, इनकी एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है. आपको कमेंट करना है, यानी कि आपको फाइंड करनी है कि इनकी रेंज क्या होगी, है ना. तो सबसे पहली चीज यहां दिख रहा है ना, जैसे यहां नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? बड़ी इजी सी ट्रिक है यार, एस टी सी, यानी कि साइन, टैन और इसके बाद कोसेक. अगर इनके आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, साथ में इनवर्स भी लगा दो. इनके आगे अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या करना होता है, नेगेटिव साइन को बाहर ले जाओ, नेगेटिव साइन को बाहर ले जाओ. इजी है. अब बात करते हैं बाकी के तीन की. बाकी तीन कौन होते हैं? बाकी तीन होते हैं अपने CSC, दैट इज कॉस में नेगेटिव, फिर आ गया सेक में नेगेटिव, और फिर आ गया कॉट में नेगेटिव. STC और CSC, इनमें क्या करते हैं, पाए लगाते हैं, माइनस लगाते हैं और पॉजिटिव के साथ लिख देते हैं. इस तरीके से नेगेटिव साइन का ट्रीटमेंट किया जाता है. तो आपको बस ये याद रखना है STC है या CSC है. देखो S वो रीएंट्री, तो सबसे पहला स्टेप नेगेटिव साइन को बाहर ले जाओ. ले गए. अब अपने को तो यार बड़ी बेसिक सी बात है, 10th क्लास में सिखा दिया था. साइन 1/2 कहां होता है, 30 डिग्री. कहां होता है, 30 डिग्री. लेकिन आप डिग्री में आंसर नहीं दोगे, 30 डिग्री को रेडियन कैसे बनाओगे, π/6. इजी है, आंसर आ गया. 30 को रेडियन में बनाने के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय π/180. ये कैंसिल होके 6 बन गया, इसलिए π/6. अब बात करें कॉस की, ये पहले ही पॉजिटिव है ना, तो डायरेक्टली लिख दो कॉस इनवर्स √3/2. कहां होता है भाई कॉस √3/2, ये होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यानी कि π/6. कोसेक इनवर्स 2, ये दोनों तो सेम है, बस नेगेटिव मत देखो, वैल्यू पे फोकस करो. 1/2 का उल्टा होता है 2,
और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो आंसर सेम आएगा, बस इसमें माइनस साइन था, यहां पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन के दो ट्रीटमेंट है, एसटीसी और सीएससी, एसटीसी और सीएससी। इजी है, कॉपी करो और आगे ट्राई करो। आगे बढ़ते हैं, देखो बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं, चाहो तो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर लो। देखो पॉजिटिव वाले पहले कर लेते हैं, इजी होते हैं। सेक की वैल्यू 2/√3, यानी कि कॉस की वैल्यू √3/2, कहां होता है 30 डिग्री पे, यानी कि π/6, डायरेक्ट आंसर आ गया। कॉट इनवर्स √3, यानी कि टैन 1/√3, यानी कि 30 डिग्री, π/6। आपको इनकी जो प्रिंसिपल डोमेन है, मतलब प्रिंसिपल रेंज जो है ना, वो याद रखनी है। जैसे sec इनवर्स की क्या होती है, cot इनवर्स की क्या होती है, इसकी होती है जैसे ओपन ब्रैकेट 0 से π, तो मुझे याद रखनी है, तभी तो मैं आंसर मेरा टैली कर पाऊंगा कि यार मैंने सही निकाला है या गलत निकाला है। ये तो कॉमन बात है, मुझे याद रखना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे ही मुझे sec इनवर्स के बारे में याद रखना पड़ेगा, क्या होती है sec इनवर्स की, क्लोज्ड ब्रैकेट 0 से π एक्सेप्ट π/2। ठीक है ना, अब बात करते हैं इन सब में नेगेटिव आ गया। देखो टैन है, वो रहा टैन, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देंगे और अब सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे, कहां होता है √3, 60 डिग्री पे। नेगेटिव साइन है कॉस पे, आओ इसको ऐसे पॉजिटिव बनाया जाएगा, कहां होता है कॉस 1/2, ये होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, तो π-π/3 हो जाएगा 2π/3। नेक्स्ट टैन इनवर्स माइनस का 1, तो माइनस का क्या किया जाता है, टैन में माइनस को बाहर निकाल दिया जाता है, टैन 1 कहां होता है 45, π/4 पे। कॉट में माइनस का क्या किया जाता है, π-cot inverse 1/√2। ठीक है, क्लियर। अच्छा कॉट इनवर्स नहीं है, कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स 1/√2, है ना। कॉस इनवर्स में भी वही ट्रीटमेंट है, कॉस कहां होता है 1/√2, π/4 पे होता है, एलसीएम लेके माइनस कर देंगे। कोसेक में अगर नेगेटिव है तो क्या होता है भाई, नेगेटिव बाहर आ जाता है, माइनस का कोसेक इनवर्स √2, कोसेक √2 कहां होता है 45 पे, तो माइनस का π/4। क्लियर, इजी है बहुत, है ना। तो अगर आपने खुद ने ट्राई करे हैं तो इन सबके आंसर्स टैली कर लो, और अगर नहीं आया समझ में अभी भी तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, बहुत इजी है, चाहो तो पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हो। देखो 11th क्वेश्चन पे आते हैं, टैन इनवर्स 1, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। सबसे पहले नेगेटिव का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, कॉस के केस में क्या करते हैं, टैन इनवर्स 1 की तो आप चाहे डायरेक्ट वैल्यू लिख लो विच इज π/4, कॉस के केस में लिखते हैं π-cos inverse पॉजिटिव वैल्यू, और साइन के केस में जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाता है, तो ये हो गया π/4 प्लस का पाए। अब कॉस जो है वो 1/2 कहां होता है, कॉस 1/2 मेरे ख्याल से कहां होता है 60 डिग्री पे होता है, यानी कि π/3, और साइन कहां होता है, साइन होता है अपने 30 डिग्री पे। तो अब आप इनका क्या ले सकते हो, एलसीएम 12 π माइनस का 4π और माइनस का 2π, तो 12 + 3 कितना हुआ 15, में से 4 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9π/12, 3 से मैं काट दूंगा 3π/4, इजी है। नेक्स्ट दोनों ही पॉजिटिव है, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कॉस इनवर्स 1/2, ये कहां होता है भाई, ये होता है π/3 यानी कि 60 डिग्री, और ये होता है 30 डिग्री यानी कि π/6, तो π/3 + π/3 ये बन जाएगा twice of π/3। नेक्स्ट याद है ना इनवर्स का नेगेटिव का ट्रीटमेंट, STCCSC, ये CSC की कैटेगरी में आ रहा है, इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली लिख दो 60 डिग्री, और इसमें क्या करेंगे पाए माइनस कर देंगे और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देंगे। sec इनवर्स 2 कहां होता है, sec 2 होता है आई थिंक जहां cos हाफ होता है, दैट इज 60 डिग्री यानी कि π/3, तो ये हो जाएगा π/3 - π -
प्लस का पाई बाय थ्री, तो एलसीएम लेंगे पाए माइनस थ्री पाए प्लस पाए होल अपॉन थ्री, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया मेरा, ओवरऑल आंसर आ गया माइनस का पाए बाय थ्री। इजी है सब, है ना। तो आज के क्वेश्चंस जो भी अपन ने पढ़े वो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत बेसिक है। जो भी आज के वीडियो में डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लो, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमें इन्फॉर्म करो, हम आपको पर्सनली समझा देंगे। अगर समझ में आ गया तो इसी टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।